हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके सिलेबस का सबसे आखिरी यूनिट, और इस सबसे आखिरी यूनिट में जो पहला टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। और इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी या बेसिक डेफिनेशंस के बारे में। टॉक्सिकोलॉजी को समझना इतना आसान है जितना कि और कुछ है ही नहीं। सिंपल सा एक्सप्रेशन अगर मैं कहूं, कोई भी ऐसी चीज जो कि अगर आपकी बॉडी में जाए, चाहे जानबूझकर जाई हो या अनजाने में गई हो, वो अगर आपकी बॉडी में जाती है और जाने के बाद कुछ अनवांटेड रिस्पॉन्स शुरू करते हैं जो कि आगे जाकर के आपके लिए लीथल भी हो सकती है, आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है या बहुत सीवियर प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, तो ऐसे ही चीजों को हम कहते हैं टॉक्सिक एजेंट या पॉइजन। और इसी टॉक्सिक या पॉइजनस सब्सटेंस की स्टडी, उसका नेचर, उसका रिस्पॉन्स, उसका ट्रीटमेंट कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, सिम्टम क्या क्या है, और अगर हो भी गया तो उसको ट्रीट कैसे करें, उसका एंटीडोट क्या है, इन सब के बारे में जो कोलैबोरेट रूप से स्टडी करते हैं, इसी को हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, द टॉक्सिकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ नेचर, इफेक्ट एंड डिटेक्शन और डिलीशन और टर्मिनेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ पॉइजनस इफेक्ट इज नोन एज अ टॉक्सिकोलॉजी। तो पॉइजन का स्टडी करना कहलाया आपका टॉक्सिकोलॉजी। अब दोबारा यह भी जानना तो बनता है कि पॉइजन है क्या। तो मैंने कहा कि कोई भी ऐसी चीज जो कि अगर आपके बॉडी में पहुंचती है और आपके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को अल्टर करती है, वही तो पॉइजन कहलाता है। देखिए, सब्सटेंस व्हिच व्हेन कंज्यूम कॉज अ रिस्क टू लाइफ, अल्टर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी इज सिंपली नोन एज अ पॉइजन। अब यहां पे एक छोटा सा हमको पॉज ले लेना चाहिए। अक्सर आपने अपने घर में बुजुर्गों को बात करते हुए देखा है कि किसी भी चीज की अति नहीं होती। जो चीज जहर है वही दवाई है, और जो चीज दवाई है वही जहर है। इट मींस अ पॉइजनस इज अ ड्रग, और वी कैन से अ ड्रग इज अ पॉइजन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सही डोज, सही मात्रा, सही क्वांटिटी सही समय पर लेते हैं तो पॉइजन भी आपके लिए एज अ लाइफ सेविंग ड्रग बनकर के काम करेगी। और अगर आप ड्रग को भी अधिक मात्रा में अनयूजुअल अनरेशनल तरीके से लेते हैं तो ही आपकी लाइफ सेविंग ड्रग आपके लिए पॉइजनस बन जाएगी। एग्जांपल हमारे घर के आसपास ही हैं, आपको कहीं भी बाहर जाकर के सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बात करते हैं पैरासिटामोल की, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा भी, चाहे पैरासिटामोल हो, चाहे एनएसएआईडी हो, या किसी तरह का एंटी कैंसर ड्रग हो, या कोई भी कैटेगरी का ड्रग हो, अगर वो सही मात्रा में लिया जाए तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसी का अगर ओवरडोज कर दें, पैरासिटामोल का ओवरडोज कर दें, तो आपके लीवर को प्रॉब्लम कॉज करेगा, आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह की टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकते हैं और उससे उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो यहां पे एक तरफ वो ड्रग है लेकिन कम डोज पे, अगर उसी ड्रग का डोज बढ़ाएं तो वो पॉइजन बन जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, सांप के काटने से जो वेनम निकलता है वो उसके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अगर किसी को काटेगा तो उसकी जान तुरंत चली जाएगी। तो ये तो पॉइजन हुआ, ये तो जहर हुआ, लेकिन आप जानते भी हैं कि इस पॉइजन को हम अगर एक थेरेप्यूटिक डोज के अंतर्गत यूज करें तो वो एंटी वेनम का भी काम कर सकता है, वो सांप के जहर को खत्म करने का भी काम कर सकता है। सो इट इज डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी, दैट मींस डोज के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को हम बाइफर्केट कर सकते हैं कि क्या वो ड्रग या दवाई के रूप में काम आएगा, क्या वो आपके लिए पॉइजन का काम करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल होने वाला है और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाले हैं। अगर मैं बात करूं पॉइजनिंग की, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन ऑफ पॉइजन। दो अलग अलग चीजें मैंने देखा। सबसे पहले मैंने बात किया टॉक्सिकोलॉजी का, फिर उसके बाद मैंने पॉइजन का मतलब बताया। अब पॉइजन नहीं, इट इज अ पॉइजनिंग। सो पॉइजनिंग इज अ हैबिट और प्रोसेस इन विच वी कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजन। किसी भी व्यक्ति के द्वारा पॉइजन सब्सटेंस को लिया जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉइजनिंग। और पॉइजनिंग के इंसिडेंट के अकॉर्डिंगली हम इसको दो तीन अलग अलग टाइप में बाइफर्गेट कर सकते हैं, अगर मैं इस पॉइजनिंग को क्लासिफाई करना चाहूं तो मेरे अकॉर्डिंगली इसको मैंने अपने हिसाब से क्लासिफाई किया है। तो इसके अकॉर्डिंगली पहला होगा एज पर द इनटेक, ये कैसे लिया जाता है, कैसे आपकी बॉडी के अंदर पहुंचा, इसके अकॉर्डिंगली अगर इसको मैं क्लासिफाई करूं तो बहुत सिंपल तरीके से दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होगा एक्सीडेंटल और दूसरा होगा इंटेंशनल। यू तो आपको ये क्लासिफिकेशन बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको समझाने के पर्पज से इसको अपने अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया है। पहला जो पॉइंट है वो है एक्सीडेंटल। इसका मतलब होता है कि जाने नहीं, अनजाने में आपने ड्रग को ले लिया हो। इसके पीछे कई लॉजिक हो सकते हैं। अगर आपने टीवी में बहुत पुराना एक एड देखा होगा जहां पे एक व्यक्ति दुकान के पास जाकर के, मेडिकल स्टोर में जाकर के उनसे कहता है कि एक दर्द वाली हरी पन्नी वाली दवाई देना, यानी कि ग्रीन कलर की स्ट्रिप वाली दवाई देना, यह कोई लॉजिक तो नहीं हुआ कि ग्रीन कलर वाली दवाई आपके लिए एक पेन किलर का काम करेगी। ऐसे कई सारे मेडिसिन है जिसका कलर स्ट्रिप का ग्रीन होता है। सो इसके कारण से क्या प्रॉब्लम होने वाली है, इन केस अगर आपके घर में कोई ऐसी स्ट्रिप ऑलरेडी रखी हुई है जिसका कलर थोड़ा बहुत उससे मैच करता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके ड्रग के मिक्सअप होने के, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। आपने कुछ और समझ करके कुछ और कंज्यूम कर लिया तो भी प्रॉब्लम होगी। न्यूज़पेपर में आप देखते हैं, अनजाने में किसी ने पेट्रोल, किसी ने केरोसिन पी लिया, अनजाने में किसी ने किसी दूसरे तरह की ड्रग को यूज कर लिया, तो वो
अनजाने में हुई गई चीजें हैं, लेकिन असर तो उसका होगा ही, वो अपना पॉइजनस इफेक्ट तो आपको शो करेगा ही, तो ये अनजाने में हुई चीजें हैं। दूसरा होता है इंटेंशनल, और ये मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा बिकॉज इट इज टोटली यूजलेस फॉर फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाहता है, सेक्रीफाइस भी गलत होगा, अपनी लाइफ को यू ही वॉश आउट कर देना चाहता है, तो उसको पूरा करने के लिए वो जानबूझकर किसी ऐसी चीजों को ढूंढता है, ऐसी चीजों को कंज्यूम करता है जिससे उसकी जान चली जाए, मतलब जानबूझकर सुसाइड करने के लिए इस तरह की चीजों को यूज करते हैं। सो वी द सॉल्यूशन फार्मेसी डू नॉट अलाउ एनीवन टू सेक्रीफाइस हिज और हर लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ सिली रीजंस। कभी भी किसी भी समस्या का समाधान ये नहीं होता कि आप एक्सीडेंट नहीं इंसिडेंटली आप इस चीजों को यूज करें। सो कभी भी इस तरह की चीजों का ख्याल आए तो अपने ध्यान को कहीं और डाइवर्ट कर लें। डू नॉट फॉल इन डिप्रेशन, डू नॉट फॉल इन सुसाइडल थॉट्स। तो ये आपके लिए एक बेसिक जानकारी हुई जहां पे इंटेंशनली उस ड्रग को लिया जाता है। दोनों में से रीजन कोई भी हो, अल्टीमेटली सफर तो आपकी बॉडी को ही करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा मेन क्लासिफिकेशन का तरीका होगा वो होगा अस पर द सीवियरिटी, कितना खतरनाक हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है वो पॉइजन जिसको आपने चाहे जानबूझ करके लिया है चाहे अनजाने में लिया है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, और इसी के बेस पे हमारा पूरा आज का जो वीडियो है वो आगे जाकर के कंप्लीट होगा। ये है एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब ये होता है कि जिसकी जो तीव्रता है बहुत फास्ट होती है, वो बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत जल्दी ठीक भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा सीवियर भी होते हैं, जिसके होने में कम समय लगता है। सब एक्यूट और आपका क्रोनिक इनके बाद का स्टेप है। तो पहले मैं आपको क्रोनिक समझा दूं, जो बहुत लंबा समय लेता है होने के लिए वो कहलाता है क्रोनिक, और इस एक्यूट और क्रोनिक के बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेप आते हैं दैट इज सिंपली कंसीडर्ड एज अ सब एक्यूट। और ये क्या है, ये पॉइजन के इफेक्ट के दिखने के ऊपर के टाइम के ड्यूरेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, अस पर द सोर्सेस, यानी कि उस पॉइजनस सब्सटेंस का सोर्स क्या है जिसे आपने जानबूझकर या गलती से लिया हुआ है। तीन तरह के मेन सोर्स होते हैं, और भी सोर्स हैं लेकिन जो मेन हमारे काम के हैं वो तीन हैं। पहला है आपका हाउसहोल्ड, दूसरा है इंडस्ट्रियल, और तीसरा है मेडिकल या मेडिसिनल। इसका क्या मतलब हुआ, मैं मेन फोकस करूंगा जो चीज हमारे काम की है वो। पहला है हाउसहोल्ड, यानी कि हमारे घर में काफी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम घर के किसी न किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए या हाउसहोल्ड की चीजों को पूरा करने के लिए, क्लीनिंग पर्पस के लिए, डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, उनका कंज्यूम करना और उनके कंज्यूम करने की वजह से कोई पॉइजनस इफेक्ट मिलना, ये कहलाता है सोर्स ऑफ पॉइजन में आपका हाउसहोल्ड। जैसे अगर आप बात करते हैं फिनाइल की, तो फिनाइल का पर्पस आपके घर को डिसइंफेक्ट करने के लिए होता है, बट मोस्ट ऑफ द न्यूज़ में आपने ये देखा होगा फिनाइल पी करके सुसाइड करने की कोशिश की गई, सो उससे उसकी डेथ हुई, दैट मींस फिनाइल इज अ पॉइजनस थिंग। दूसरा, अगर आप बात करें तो आपके घर में आज के डेट में काफी सारे सैनिटाइजर भी यूज हो रहे हैं, एथेनॉल बेस्ड, मेथेनॉल बेस्ड, सब कुछ सबसे आ रहे हैं। एथेनॉल तो आपके सैनिटाइजर के रूप में यूज होता है, मेथेनॉल किसी न किसी पेंट में या किसी दूसरी चीजों में यूज होते हैं, तो उनका जानबूझकर अनजाने में यूज करना आपके लिए पॉइजनस हो सकता है। आपके घर में डिटर्जेंट आते हैं, आपके घर में पेस्टिसाइड्स वगैरह आते हैं जिनको आप अपने घर के गार्डन को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, गार्डन में प्रेजेंट पेस्ट को खत्म करने के लिए यूज करते हैं, तो इन सब का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूम होना, नोइंगली अननोइंगली इंटेंशनली एक्सीडेंटली कंज्यूम होना और फिर कन्वर्ट होना जानलेवा चीजों में, तो वो आपका हाउसहोल्ड पॉइजनिंग कहलाएगा। और दूसरी चीजें ये भी हैं कि हाउसहोल्ड चीजें में ऐसी चीजें भी इंक्लूड होती हैं जिनका हम कंजप्शन करते हैं विद सॉक से, इसको हम लोग यूज करते हैं अपनी पार्ट में। और उसको समझाने का सबसे सिंपल एग्जांपल ये कोल्ड ड्रिंक है। मैं किसी ब्रांड पे नहीं जा रहा, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग अबाउट दिस ब्रांड, मैं बस आपको बताना चाह रहा हूं कि जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक है, जो भी इस तरह के कोक्स वगैरह हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, वो आपके लिए पॉइजनस हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसे पॉइजन नहीं है जो तुरंत आप इसको यूज करेंगे और तुरंत आपको इमीडिएटली इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। और ये मेरा क्लेम नहीं है, आपने कई बार न्यूज चैनल्स में काफी बार इसके बारे में सुना भी है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी पाई गई हैं, ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। सो ऐसा कोई व्यक्ति जो मोस्ट ऑफ द टाइम में इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स को कंज्यूम करता है, अपने डेली लाइफ के पार्ट में इनको इंक्लूड करता है, तो वो धीरे 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 करते आपकी बॉडी में टॉक्सिक डेवलप कर सकते हैं, तो ये हाउस होल्ड के अंदर आएंगे। दूसरा है इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल में काफी सारी चीजें हैं, पेंट है, वार्निंग है, आपका मर्करी है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैवी मेटल्स भी इसके अंदर आ जाएंगे जिनका यूज किसी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और उसके कारण से निकलने वाली चीजें जो आपको आगे जाकर के प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। आपने भोपाल गैस कांड के बारे में भी सुना होगा, आपने अभी साउथ इंडिया में कुछ केस हुए वहां के बारे में सुना होगा, विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुआ है उसके बारे में सुना होगा, कई चीजें आपने सुनी होंगी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में केमिकल रिलीज होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो वो वहां पर काम करते हैं। ऐसे
ऐसी इंडस्ट्री जहां पे फ्लक्स की प्रिंटिंग होती है, जहां पे फ्लक्स वगैरह प्रिंट करते हैं, आपने आसपास कराया होगा अपने पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए, वहां पे अमोनिया गैस की स्मेल आती है जो कि आपकी आंखों में आंसू तक ला सकती है या फिर दूसरी प्रॉब्लम भी कॉज कर सकते हैं। तो वो उसके थ्रू होने वाले पॉइजन को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉइजन। और उसको समझाने के लिए सिंपल सा एक और एग्जाम्पल है, मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं वो स्पिरिट है, जिसका यूज हम लोग मेडिकल पर्पज के लिए करते हैं, अभी के डेट में सैनिटाइजर पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, आपके किसी भी इंजेक्शन साइट में लगाने से पहले उसको रब करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं और ऐसी कई चीजों में यूज होता है। ये इंडस्ट्री में बेसिकली काफी ज्यादा यूज होंगे, पेपर इंडस्ट्री में, पल्प इंडस्ट्री में यूज होते हैं क्लीनिंग पर्पज के लिए। तो इसकी जो स्मेल है वो काफी स्ट्रांग होती है और अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली इसके कॉन्टेक्ट में आता है तो वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। लेबोरेटरीज वगैरह में ये चीजें पाई जाती है और आपने यूं ही इसको लैब में कई बार देखा हुआ है कि इसके कंजप्शन की प्रॉब्लम होती है, न्यूज में आता रहता है कि इसके शराब की ना मिलने की वजह से कुछ लोगों ने स्प्रिट को यूज कर लिया, कुछ लोगों ने सैनिटाइजर को यूज कर लिया और उससे उनकी जान चली गई। तो ये चीजें कहीं भी हो उनकी प्रॉब्लम कॉज करती हैं, पॉइजनस इफेक्ट शो करती हैं, तो वो हमारा पॉइजन होगा। और तीसरा शॉर्ट में देखें मेडिकल पर्पस के लिए क्या चीजें यूज होती हैं, तो कोई भी मेडिसिन जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होगा, जिनका कंजप्शन अगर हम ज्यादा मात्रा में करते हैं, डोज से बियॉन्ड करते हैं, तो वो प्रॉब्लम कॉज करेगा। एग्जांपल के रूप में मेरे हाथ में पैरासिटामोल है, आप जानते हैं इसका डोज कितना होता है, सेफ डोज अगर हम लोग बेसिकली 4 ग्राम से ऊपर करते हैं तो प्रॉब्लम शुरू होगी, आपका लीवर टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे कई और अनवांटेड इफेक्ट देखने को शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये पूरी स्ट्रिप गलती से या जानबूझकर किसी ने कंज्यूम कर ली तो उसको प्रॉब्लम तो होना ही होना है। ये तो मैंने आपको एक पॉसिबल हो सकने वाले इफेक्ट के बारे में बताया, ऐसे कई ड्रग हैं जो शेड्यूल एच के डिग्री के आते हैं, कई ऐसे ड्रग जो नार्कोटिक के डिग्री के आते हैं जो कि आपके ट्रैंक्विलाइजर चाहे माइनर या मेजर के यूज होते हैं, इनका थोड़ा भी डोज फ्लक्चुएशन होगा, जिनका थेरापोटिक इंडेक्स बहुत कम होता है, तो वो अगर एक्सीड हुए तो वो पॉइजनस इफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो ये पूरी चीजें आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हैं और ये सोर्स के अकॉर्डिंगली हमने इसको क्लासिफाई किया। अब अगर मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली अस्पताल सीबीआईटी के बारे में बात करूं तो एक्यूट सब एक्यूट और क्रॉनिक के बारे में पढ़ना है। इस व्हाइट बोर्ड सेक्शन के पहले पार्ट में मैं आधा बात कर रहा हूं एक्यूट टॉक्सिसिटी के, आगे कंटिन्यू होगा इसका अगला पार्ट। सो एक्यूट टॉक्सिसिटी मतलब क्या होता है, एक ऐसी टॉक्सिसिटी जो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है विद इन 24 आवर में, अगर आपने सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन या मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट मीन 24 आवर के अंदर लिया हुआ हो और उसका इफेक्ट मैक्सिमम आपको 14 डेज के अंदर देखने को मिलता हो तो वह आपका एक्यूट टॉक्सिसिटी कहलाता है। यहां पर मैंने स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट रिजल्ट either from single or multiple exposure in short period of time usually 24 hours should occur within 14 days from the intake। अगर आप किसी ऐसी चीजों को कंज्यूम करते हैं चाहे एक बार चाहे एक से अधिक बार, लेकिन उसकी लिमिट होनी चाहिए 24 आवर्स के अंदर, दैट मींस इसको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो 24 आवर्स के अंदर आपने किसी भी सब्सटेंस को अगर एक बार लिया हो चाहे एक बार से अधिक लिया हो और उसका असर आपको, असर मतलब यहां पे अनवांटेड इफेक्ट से है, थेरेप्यूटिकल इफेक्ट से है, जो कि आपको 14 दिन के अंदर देखने को मिले तो वो आपका ये एक्यूट टॉक्सिसिटी कहलाता है। अब इसके अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स और हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, एक जो शॉर्ट इंटरवल है चाहे सिंगल चाहे मल्टीपल का दैट शुड बी लाइज अंडर 24 आवर्स और उसके जो अनवांटेड इफेक्ट हैं आपको 14 डेज के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। तो ऐसे केस में जो चीजें होंगी वो आपका एक्यूट कहलाएगा और ये इंक्लूड करता है सबसे पहले देखें सडन इन ऑनसेट, ये अचानक हो सकता है, इसके लिए आपको धीरे धीरे करने की जरूरत नहीं है। ये जो कोल्ड ड्रिंक मैंने आपको बताया था वो इसका एग्जांपल नहीं है, ये आप अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपको अगले दिन कोई टॉक्सिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप डेली के डेली अपने डाइट में अपने लाइफस्टाइल में अपने डेली रूटीन में इस तरह के कोल्ड ड्रिंक को यूज करते हैं कंटिन्यूअसली डेली फॉर लॉन्ग टाइम तो वो आपको प्रॉब्लम कॉज करेगा, बट दैट इज नॉट ऑनसेट फास्ट, दैट इज नॉट फास्ट ऑफ ऑनसेट, वो डिले करता है, जबकि यहां पर हमको चाहिए तुरंत, इमीडिएट शुड तुरंत ऑकर होना चाहिए, ये एक एक्यूट की पहचान है। सो सडन दैट मीन सडन इन ऑनसेट, तुरंत अचानक होगा। दूसरा सीवियर इन नेचर, काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है और इसके बाद एग्जांपल भी बात करूंगा अगले सेक्शन में। तीसरा पॉइंट कहता है इट हैज रैपिडली चेंजिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्रेस, इसका जो मूवमेंट है दैट मींस इनकी बॉडी में जिनका असर है वो सडनली प्रोग्रेसिवली फास्ट तरीके से चेंज होता रहेगा, कभी आपको लगेगा कि आप थोड़े से ठीक होने लग रहे हैं लेकिन कभी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये ऑनसेट और साथ में इसका प्रोग्रेशन थोड़ा फ्लक्चुएशन कर सकता है। अभी टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ प्रॉब्लम होगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, जल्दी ठीक हो सकता है अगर आप इसको इमीडिएटली इसके जो एंटीडोट्स वगैरह हैं वो आप प्रोवाइड कराएं तो। उसके बाद देखिए कॉज बाय एक्सपोजर ऑफ लार्ज डोज, देखिए
दो चीजें सिंपल से एक्सप्लेन कर रही है इसमें, कॉज बाय एक्सपोजर ऑफ लार्ज डोज, देखिए उल्टा है ना, लार्ज डोज ऑफ अ वीक टॉक्सिन, अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई टॉक्सिन वीक है तो उसका लार्ज डोज अगर आप गलती से सही ले लिए तो, या अगर कोई टॉक्सिक स्ट्रॉन्ग है तो उसका स्मॉल डोज, देखिए आगे लिखा हुआ है, और स्मॉल डोज ऑफ अ पोटेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल टॉक्सिन, तो यह प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। कम डोज पे अगर वो टॉक्सिक ज्यादा है तो भी असर करेगा, अगर वो टॉक्सिक कम है तो उसका ज्यादा डोज लेने पे प्रॉब्लम कॉज करेगा, तो ये आपके एक्यूट टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं। तो ये पहले सेक्शन में आधा हमने बात किया, चलिए आगे का हिस्सा बात करते हैं सेकेंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे एक्यूट टॉक्सिसिटी के कुछ बेसिक एग्जांपल और उनके रेस्पेक्टिव सिम्टम्स। हमको केवल डेफिनेशन के बारे में बात करना था, लेकिन मैंने एक दो पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है, क्योंकि धीरे से आने वाले जब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, तब आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। एक्यूट टॉक्सिसिटी के अंदर जो पहला टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी है वह है आपका मर्करी पॉइजनिंग। यहाँ पे इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे हाउस होल्ड चीजों में, इंडस्ट्रियल चीजों में ये मर्करी कहीं ना कहीं पाया जाता है, तो इनका एक्सीडेंटली और इंटेंशनली यूज किया जाना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर किसी को इस तरह के अधिक मात्रा में मर्करी के इंजेक्शन होता है तो उसको कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, उनमें आपका पहला सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये मोस्ट ऑफ द केस में जब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग के बारे में, तो ये जो सिम्टम है वह इंक्लूड होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहने का मतलब होता है कि आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होगी, आपका सांस थोड़ा सा नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में जल्दी भरने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप सफोकेशन फील कर रहे हैं। तो ये सिम्टम्स हैं ऑलमोस्ट काफी सारे पॉइजनिंग के केस में। जब हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या ऐसे पॉइजनिंग की जिस जो हवा में सस्पेंडेड है, उस केस में तो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं पॉइजनिंग का। दूसरा है ट्रेमर्स का। ट्रेमर्स मतलब थोड़े से झटके आना बॉडी में, शेकिंग जर्किंग फील करना, ये आपके मर्करी पॉइजनिंग का सिम्टम है। तीसरा है इंक्रीज इन एक्साइटेबिलिटी। अगर आप ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट्स को, हमने ऑलरेडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट एंड डिप्रेशन का टॉपिक पिछले सेमेस्टर्स में कंप्लीट किया हुआ है। मर्करी पॉइजनिंग होने के बाद उस व्यक्ति के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट होगा और थोड़ा सा वो एक्साइटमेंट जैसा बिहेवियर शुरू करेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दैट पर्टिकुलर पर्सन बिकम एक्साइटेड आफ्टर इंजेक्शन ऑफ मर्करी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रेस्पिरेटरी फेलियर। आपके सांस लेने में तकलीफ होगी, आपके लंग्स में कुछ दिक्कतें, एबनॉर्मलिटी डेवलप होने लगेंगी, और ये दोनों मिलाकर के कोलैबोरेट होकर के आपके लंग्स को और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कोलैप्स कर सकते हैं। तो इसके कारण से आपको ब्रेथनेस में तो प्रॉब्लम हो ही रही थी, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फेल कर जाएगा। कमिंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज क्लोरीन पॉइजनिंग। क्लोरीन बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है हमारी डेली लाइफ का, कुछ मात्रा में अगर इसको यूज करें तो वो एक यूजफुल है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में गलती से ही सही हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो ये टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकता है। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं वो भी देखिए, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये केवल बेसिक्स है, जब हम के रेस्पेक्टिव पॉइजनिंग के बारे में बात करेंगे तो और डिटेल से भी देखेंगे। क्लोरीन पॉइजनिंग के अंदर का सिम्टम्स है एक्सट्रीम एब्डोमिनल पेन। आपके पेट में काफी ज्यादा दर्द होगा, ये वर्ड इंफेसाइज करिएगा एक्सट्रीम, इट इज नॉट नॉर्मल एब्डोमिनल पेन, ये काफी ज्यादा मरोड़ और ऐठन जैसी फीलिंग कॉज करेंगे अगर आपने गलती से ही इस क्लोरीन को इंजेस्ट किया है तो। दूसरा है ब्लड इन स्टूल। जब कभी भी स्टूल का इवैक्यूएशन होगा तो स्टूल में ब्लड के कुछ ड्रॉप्स आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज और स्ट्रेंथ ऑफ क्लोरीन एज अ पॉइजन इन साइड योर बॉडी। उसके बाद अगला सिम्टम है बर्निंग सेंसेशन ऑन इसोफेगस और थ्रोट पेन। कभी भी जब क्लोरीन की पॉइजनिंग होगी तो आपके इसोफेगल वाले पार्ट में आपको ऐसा एहसास होगा कि कुछ जलन जैसा चीजें आपको फील करनी है। ये जलन के साथ साथ आगे जाकर के ये आपके पेन का भी कॉज कर सकता है, सो दिस इज ऑल्सो अ थ्रोट पेन इन केस ऑफ क्लोरीन पॉइजनिंग। अगला पॉइंट है स्वेलिंग ऑन थ्रोट। जब कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, दैट मे बी कन्वर्टेड इन टू अ स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन, क्योंकि हमने जानते हैं कि जब कभी भी कोई इरिटेटिव सब्सटेंस आएगा तो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, उसको उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए हमारी बॉडी के जो डिफेंसिव सिस्टम है, हमारी बॉडी के जो होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने वाले सिस्टम है, वो वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे और वहां पे थोड़ा सा स्वेलिंग हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ क्लोरीन पॉइजनिंग। आगे बात कर रहे हैं तो देखिए पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, इन सब का डिटेल हमको देखना है सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के साथ आने वाले कुछ दिनों में। तो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग है क्या?
पेस्टिसाइड बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट बन चुका है हमारी यूजफुल लाइफ का, जो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अगर आप अपने फार्मिंग में देखेंगे तो ये पेस्ट कंट्रोल करने का काम करता है, और इसी तरीके से आपके गार्डनिंग में भी टूल में काम करते हैं, वो एक अपनी जगह इनकी यूटिलिटी है। गलती से ही सही, इंटेंशनली एक्सीडेंटली, दोनों में से कोई भी रीजन रहे, अगर ये पेस्टिसाइड हमारी फूड के थ्रू या हमारे किसी और कंजप्शनल चीज के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, तो वो धीरे 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 जाके आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। इनमें अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देखें तो पहला है रेड स्किन। अगर ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपको स्किन में आता है तो स्किन को रेडनेस कॉज कर सकता है, इचिंग बर्निंग सेंसेशन कॉज कर सकते हैं, स्वेलिंग के साथ स्किन में प्रॉब्लम भी होने लगेगी, क्योंकि आप उसको एच करेंगे, बर्निंग सेंसेशन होगा, तो स्वेलिंग उसके जैसे यहाँ पे भी देखना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है बर्निंग और सीवियर पेन। जिस भी बॉडी के पार्ट पे ये कॉन्टैक्ट में आया है फिजिकल बैरियर के रूप में, तो वहां पे आपको बर्निंग सेंसेशन मिलेगा, सीवियर पेन मिलेगा, और आखिरी में वो जाकर के वहां पे अल्सर भी कॉज कर सकते हैं। अल्सर मतलब होता है वहां पे पर्टिकुलर पार्ट का इरोजन, वहां पे छिलाव कटाव देखने को आपको मिल सकते हैं। अगर किसी ने ओरल लूट से लिया है तो वहां पे ओरल अल्सर भी देखने को मिल सकते हैं, और बाकी जीआईटी में एसोसिएटेड प्रॉब्लम भी होगी। यहां पे कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज अ सब एक्यूट टॉक्सिसिटी। हमने बात किया एक्यूट टॉक्सिसिटी, जो कि बहुत जल्दी होता है, जो बहुत सीवियर होता है, और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सब एक्यूट की। तो ये जो सब एक्यूट है बेसिकली एक्यूट और क्रोनिक के बीच में आता है। इसका मतलब है ये कि सिम्टम्स वाइज, कैटेगरी वाइज थोड़ा सा एक्यूट से टच करेगा, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन है वो आपके आगे आने वाले पॉइंट में, यानी कि क्रोनिक की ओर थोड़ा सा कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा। यानी कि दीज आर द लाइक एक्यूट टॉक्सिसिटी बट ड्यूरेशन बिटवीन 14 डेज टू 90 डेज। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं इसके सिम्टम्स को या इसके एक्सपोजर को अगर हम बात करें तो 14 डेज से लेकर 90 डेज के आसपास हो सकता है। मैंने आपको एक्यूट में 14 दिन का कहा था, यहां पे आपका जो प्रॉब्लम है वो 14 डेज से लेकर 90 डेज के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। एक्सपोजर मे बी सिंगल और मेनी, मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो कांटेक्ट या तो सिंगल कांटेक्ट हो सकता है या उसको मल्टीपल कांटेक्ट भी हो सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्रोनिक टॉक्सिसिटी। तो क्रोनिक का मतलब ही यही कहता है जो लंबा समय खींचे, उसके होने में आपको लंबा समय लगे, और ऑब्वियसली उसके ट्रीटमेंट में भी आपको लंबा समय लगाना पड़ेगा, ये कहलाता है आपका क्रोनिक टॉक्सिसिटी। जैसे कोई चीज ऐसी है जो आपकी डेली लाइफ का एक पार्ट है, जिसको आप कंज्यूम कर रहे हैं थोड़े 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 अमाउंट में लेकिन लंबे समय तक, तो वो जो प्रॉब्लम है वो आगे जाकर के किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको प्रॉब्लम दिखानी शुरू करेगी, और एक बार जब प्रॉब्लम सामने आ जाएगी तो उसके ट्रीटमेंट की अगर आप बात करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट शॉर्ट टाइम में नहीं होगा, उसको ठीक करने के लिए धीरे धीरे वो भी समय लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड क्रोनिक टॉक्सिसिटी। कमिंग टू द बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग इट, ऑब्जर्वेशन इज मोर देन 90 डेज। यानी कि इसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं, इसके सिम्टम्स को जब हम विजुलाइज करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा लंबा समय लगता है। एक्यूट में 14 डेज था, सब एक्यूट में 14 टू 90 डेज था, यहां पे 90 डेज या इससे ज्यादा समय के बाद भी आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। सो क्रोनिक का मतलब ही यही है, लॉन्ग टर्म, दैट मींस कंज्यूमिंग एनी टॉक्सिक मटेरियल फॉर लॉन्ग टाइम, दैट मे कॉज स्लोली स्लोली अ प्रॉब्लम इनसाइड द कंज्यूमेबल बॉडी। ये से कुछ बेसिक कंडीशंस हो गए। हमने बात किया केवल डेफिनेशन के बारे में, कोई डिटेल ज्यादा जानकारी बात नहीं की है। रेस्पेक्टिवली आने वाले समय में बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग, ओपियोइड पॉइजनिंग, इस तरह के पेस्टिसाइड, इस तरह के हैवी मेटल्स, इनके बारे में धीरे धीरे देखना स्टार्ट करेंगे जो आपके सिलेबस में होगा। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे, आज के लिए इतना ही। आज के दोनों व्हाइट बोर्ड का जो रेफरेंस है उसे 2-3 बुक्स और कुछ लेट से लिटरेचर से सर्वे करने के बाद मैंने यूज किया है। इसे आप पी जगदीश प्रसाद में भी पा सकते हैं, इसे आप सतोषकर में भी पा सकते हैं, इसे आप क्रिएटिव पार्टी में भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। लेकिन एक सजेशन आपको दूंगा, अगर आपको ये सही लगे तो आपके लाइब्रेरी में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की एक पीसी डांडिया की बुक होगी। इस बुक में इनका समराइज वर्जन दिया हुआ है, शॉर्ट में काफी अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। सो यू कैन प्रीफर दैट बुक ऑल्सो, क्योंकि कोई भी बुक छोटी नहीं होती जब तक उसके कंटेंट ऑथेंटिक और सही हो। तो आप चाहें तो उसको प्रीफर कर सकते हैं, अदरवाइज यू मे हैव सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं यहां से थोड़ी देर में हट जाऊंगा, आप इस व्हाइट बोर्ड सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों सेक्शन का। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, एंड प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।